सिनेमा चलती हुई तस्वीरों का और सपनों का कारखाना है। दुनिया को चौंकाने वाली चमत्कारी कला और 21वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ कला है। नोएडा स्थित मार्वल स्टूडियो के प्रांगण में 16वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन के पहले सत्र का भव्य आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फेस्टिवल में मीडिया, टीवी, फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया, जिसमें डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, एलेजांद्रो सिमांकस मारिन, एम्बेसडर ऑफ क्यूबा, डेनियल एला टेन, एम्बेसडर ऑफ रोमानिया, KL गंजू ऑनरेबल कंसल्टेंट जनरल ऑफ कॉमरोस, अभिषेक दुहान रिनॉव्ड एक्टर, अरुण बख्शी एक्टर और सिंगर, राजेंद्र प्रसेकर रिनॉव डायरेक्टर, सहन जमन ऑथर, माइक पेरी फिल्म मेकर ऑफ USA, पंकज पराशर रिनॉव डायरेक्टर, हरीजू रॉय म्यूजिक कंपोजर और सिंगर, प्रेम सिंह ढींगरा ऑथर मौजूद रहे। सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। बता दें कि ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप पारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि इस फिल्म फेस्टिवल में लोगों का आना कम नहीं हुआ, बल्कि पहले की अपेक्षा और ज्यादा हो चुका है। इसके साथ ही लोग अधिक एंजॉय भी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पंकज पराशर ने अपनी जर्नी को साझा भी किया। इसके साथ ही बताया कि साहित्य और ChatGPT दोनों अलग अलग है। ChatGPT लंबे समय के लिए नहीं, लेकिन साहित्य लंबे समय आजीवन के लिए है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। कार्यक्रम में जवाहर लाल फोरम और अशोक त्यागी की गोदान फीचर फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया। इसके साथ ही सहर जमन की किताब तलत महबूब और प्रेम ढींगरा की किताब हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल का विमोचन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के दूसरे हॉल में क्यूबा की फिल्म क्विंटोस दे उन डिया मास का स्क्रीनिंग भी की गई। इसके साथ ही रोमानिया की फिल्म द फादर ऑफ हु मूव्स माउंटेन की भी स्क्रीनिंग की गई। फेस्टिवल में AAFT स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के स्टूडेंट्स द्वारा क्यूबा की लजीज व्यंजन तैयार किए गए, जिसमें एम्बेसडर ने न सिर्फ अपने देश की डिश को चखा, पहचाना, बल्कि जमकर तारीफ भी की। कार्यक्रम में मौजूदा स्टूडेंट्स के लिए प्रश्न उत्तर के सेशन भी रखे गए, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपने सवाल किए और उनके जवाब भी पाए। बता दें कि कार्यक्रम में हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह 2023 अवार्ड सेरेमनी भी की गई, जिसमें अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फिल्म एलेजांद्रो सिमांकस मारिन और डेनियला टेन को हिंदी सिनेमा समर्थक की उपाधि से नवाजा गया। वहीं अभिषेक दुहान और राजेंद्र प्रसेकर को हिंदी सिनेमा गौरव की उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा सभी गेस्ट को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का अशोक त्यागी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कुल मिलाकर तकरीबन 70 देश 16वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे पास देश भर और दुनिया भर से फिल्में और लोग इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा दिन है और तीसरे दिन के इस पहले इवेंट में जहाँ पर हम लोगों ने क्यूबा से आई हुई इस ज़बरदस्त फिल्म को दर्शाया है, इस फिल्म को इनॉग्रेट करने के लिए अम्बेसडर क्यूबा के खुद यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस आज तीसरे दिन की शुरुआत हुई है और एक सरप्राइज आइटम जो हम लोगों ने क्यूबा के लिए रखा था वो था यहाँ क्यूबा का खाना और इस क्यूबा के भोजन को भी हमने आज यहाँ पर प्रदर्शित किया है, जिसका मतलब है कि हम लोग पूरे आर्ट और कल्चर को 360 डिग्री से प्रमोट करना चाहते हैं, जहाँ फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, आर्ट और कल्चर, उसी के बीच में भोजन यानी कि जो खाना है वो भी एक दूसरे को लुभाता है और एक दूसरे को अपने नजदीक लाता है, ऐसा हमारा मानना है। सो फर्स्ट आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम इम्प्रेस्ड विद ऑल द वर्क द इंस्टीट्यूशन इज डूइंग and I am very familiar already with this place, so it's always it's not only a pleasure and a honor for me to be here. It's a coming here is a way to take to get new energies and the new vibrant that in always is in this place, so it's very important. The 16th Global Fish Festival this year is having a Cuban film, a Cuban film that was produced in 21 during the COVID times, in the middle of the curfew in Havana. A group of movie makers decided to
to break the laziness of the of being in a curfew, isolated in the house. So they decided to make this film. The name is Stories of Another Day, and it's a film that is composed by six different stories of common people in Havana during the COVID times. Marva Studios is one of the eldest schools in of cinema in Delhi and in India, I guess. He's organizing an incredible number of events, and this festival is keeping growing with more and more countries participating and with very good films. So the quality of films, it's very, very good. So I'm looking forward. What would you like to say about the Global Film Festival 16th? It was very good, and I think this is today's the last day of this festival, and I was invited. In fact, I'm a vice president with the UFFO, Universal Film Festival Organization, USA, and we organize about 2,646 festivals across the world, along the Cannes and Berlin, BAFTA, Sundance, Zurich, etc., and etc. And I have seen a lot of film festivals across the globe, and I'm also, monitoring this festival from last long, about 3-4 years, and the way the enthusiasm you people have here in this AFT, I haven't seen much in lot of film festivals across the globe. So this is due to the people, those who are organizing this festival. सर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिटरेचर को फिल्मों से जोड़ रहे हैं लोग? सिनेमा और लिटरेचर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है, और कई सालों से इस बात पे ये भी चर्चा होती रही है कि सिनेमा और लिटरेचर दो अलग राहें हैं, लेकिन मेरा ये मानना है पिछले 30 साल से इन दोनों लाइनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिटरेचर तब तक पॉपुलर नहीं होता जब तक वो सिनेमा से जोड़ा नहीं जाता, और सिनेमा तब तक नहीं बन सकता जब तक कि लिटरेचर नहीं है। तो ये लोगों का बड़ा एक गलत कंसेप्ट रहा है कि जो किताब छप गई उसी को वो लिटरेचर कहते हैं, जो किताब के ऊपर फिल्म बनी वो भी तो लिटरेचर है। और मैं सभी फिल्म मेकर्स और पैशनेट फिल्म मेकर्स की तरफ से ये दो लाइनें दोहराना चाहता हूं कि हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमा ले, नजरें तो मिल चुकी हैं अब दिल से दिल मिला ले, ऐ शम्मा तेरी खातिर परवाना बन गया हूँ, जरा देख ले आकर दीवाना बन गया हूँ, सजदे में गिर गया हूँ अब तो जरा उठा ले, हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमा ले। अगर ये कहानियाँ ये लाइनें ना लिखी जाती तो ये शायद इस पर पिक्चराइजेशन नहीं होती, और अगर पिक्चर बनने के बाद ये एक कवि की या एक राइटर की जो लाइनें हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चित हो गई, तो दोनों का मिलाप होना बहुत ज़रूरी है। मेरा हमेशा जितनी बार भी मैं यहाँ आता हूँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, एंड थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए, और ख़ास तौर पर जितने भी बच्चे हैं, तुम तो बड़े हो ना सारे तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ के स्टूडेंट्स वो इतना प्यार देते हैं, वो इतना पकड़ लेते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं कि मुझे वो चीज सबसे ज्यादा आई थिंक मेरे दिल को सबसे ज्यादा भाती है, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है उनके सवाल जवाब, वो क्योंकि वो अपना सपना पूरा करने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कभी मुझे भी उनसे कुछ नई एनर्जी सीखने को मिल जाती है। लिटरेचर हमारी धमनियां है, हमारे ब्लड है, ज्ञान के लिए हमारा लिटरेचर जो है, इसके लिटरेचर के बगैर तो कोई भी व्यक्ति जो है ना कुछ कर सकता है जिंदगी में, ना कुछ लिख सकता है, ना रचना कर सकता है, लिटरेचर से ही तो हम लोग सब आगे बढ़ते हैं। और जहाँ तक मेरी ये बुक का है, कितना इंटरेस्टिंग इसका टाइटल है, हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल। हम सुबह से लेकर शाम तक जो है, रात तक जो है, जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम अपने घर में अपने परिवार वालों से मिलते हैं, अपनी वाइफ से मिलते हैं, सर्वेंट से मिलते हैं, फिर उसके बाद बाहर लोगों के पास जाते हैं, बाजार में कहीं जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं। सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ग्लोबल फेस्टिवल? Firstly, I'm very happy to be here. This 16th film festival being organized by this
institution headed by Dr. Sandeep Marwa is always a fascinating place for me. And today the difference was that we had a lot of people from the film industry. And the core subject was literature and film. So what I feel is that no film is a film without a literature. There has to be literature, then only a film can be made. Yes. If there is no story, somebody has to write a story, and then the script, and then the film. So basic is these things are interconnected. There can be no film without literature, and there can be no literature without, there can be literature without a film, ultimately. But at the same time, good literature, one must read. I will advise all the students of this institution that book reading is one of the finest things in life. It keeps your mind cool. It gives you knowledge.